हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर इन्फिनिक्स फ़ोन में ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है तो कैसे इस प्रॉब्लम को सही करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऐप का ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं वहाँ पर आप आ जाएंगे, इसी सेटिंग में आना है। फिर ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर शो सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब थोड़ा नीचे आके खोजेंगे ब्लूटूथ को तो ब्लूटूथ मिल जाएगा। यहाँ पर है ब्लूटूथ, ब्लूटूथ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा तो फोर्स स्टॉप पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना। फिर अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर क्लियर डाटा नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। इतना करने के बाद बैक आ जाना है होम स्क्रीन पर। अब अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है या रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद जो ब्लूटूथ आपको कनेक्ट कराना है उसे आप चालू करके रखना। अब सेटिंग्स में जाना है मोबाइल के और ब्लूटूथ को चालू करना है। तो यहाँ से हम चालू करते हैं। अभी देखिए उस डिवाइस का नाम आ जाएगा जो हमें कनेक्ट कराना है, तो यहाँ पर आ चुका है। चलिए क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर पेयर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। तो देखिए कनेक्ट हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है कितना चार्ज है। तो गाइस इस तरीके से आप भी ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।